नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक। अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। नया पिल्सबरी कुकी केक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार द्वारा भविष्य में हर महीने एक नया सुधार कार्य किया जाएगा। सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की गई। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में पत्रकारों को पेंशन के चेक, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके सम्मानित कर पत्रकार पेंशन योजना का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम में सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर बनी एक शॉर्ट फिल्म बेमिसाल 3 साल भी दिखाई गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं और घोषणाओं को पूरा करने का काम निरंतर जारी रहेगा। आज सरकार के भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के 3 वर्ष आज पूरे हुए हैं और इन 3 वर्षों में अभी हम लोगों ने आपस में बैठ करके एक जो समीक्षा की है, उस समीक्षा के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमने अपने जितने भी काम थे उनको सुनिश्चित ढंग से और एक व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाया है और एक पारदर्शी सरकार और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो हमारा वायदा है उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विकास की बहुत सी योजनाएं जो हमने घोषणाएं की हैं और जो योजनाएं पहले से चल रही हैं उनको पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 65% हमारे जो काम हैं जितनी घोषणाएं उसको हम पूरा कर चुके हैं। आने वाले 2 वर्षों के अंदर हम जो बचे हुए काम वो भी पूरा करेंगे और जो नए काम आए हैं वो भी ध्यान में कराएंगे। हम विशेष तौर पर शिक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, कृषि विभाग के नाते से जो योजनाएं उनको आगे बढ़ा रहे हैं और खास करके रोजगार, रोजगार में जो कि युवा को रोजगार जितना अधिक मिलेगा, जितना अच्छा मिलेगा उतना ही समाज में एक व्यवस्था ठीक बनी रहेगी। तो इस नाते से लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार हम दे चुके हैं, कल मैंने सारे आंकड़े विधानसभा में बताए हैं और इतने ही नौजवानों को हम अपने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनके कोर्सेज कराएंगे और इस बेरोजगार लोगों को रोजगार मिले ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री भी उसमें आगे बढ़े। सरकारी नौकरियाँ एक पारदर्शिता से जो भर्ती हो रही है उसका भी सर्वदूर बड़ा स्वागत है। पुलिस भर्तियां हुई हैं, अब क्लर्कों की भर्तियां होंगी, अध्यापकों की भर्तियां और अन्य भर्तियां भी सब अब पारदर्शिता के तरीके से आगे बढ़ रही हैं, उसमें हमको संतोष है। और भी जो भर्तियां हमको करनी होंगी वो अब जैसे जैसे रिक्वेशन आएगी वैसे वैसे आगे। देखिए, किसी प्रकार के कोई भी सुझाव आपके आएंगे उसका हम स्वागत। बहुत सी चीज़ों के सुधार हमने किए हैं लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जो हमको ध्यान में आती हैं उनमें कैसे सरलीकरण किया जाए, कैसे लोगों को सुविधा अधिक मिले, वैसे चाहे वो भूमि के अधिग्रहण करने का जैसे विषय बड़ा एक कठिनाई भरा एक विषय है जिसका कल ही हमने एक पारित किया है, एक्ट पारित किया है कि अब हम जमीन जो है लोगों से उनकी सहमति से ही खरीदेंगे और खरीदी हुई जमीन के अंतर्गत अगर किसी परियोजना में कोई कठिनाई आती है तो ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं लेंगे बल्कि उसकी कंसोलिडेशन के आधार के ऊपर उसी एस्टेट के अंदर दूसरी ज़मीन उसको देंगे और साथ में 20% उसको एक राशि भी अलग से वो दी जाएगी ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न लगे कि ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन ली गई है। अभी लगातार जो काम कर रहे हैं वो चुनाव के साथ जुड़े हुए विषय हैं ताकि जो सुधार हमने करने थे वो सुधार भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और खास करके जनता का रहन सहन वो बाधा मुक्त हो और सरल हो, लोगों को कठिनाइयाँ परेशानियाँ कम से कम हो, इस नाते से हम प्रशासन जिन लोगों ने प्रदेश के लोगों की खून पसीने की कमाई को पानी आप मानते नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। हम जो हमारे पास जितने भी उसका सबूत है, जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने हमारे प्रमाण हैं वो हम कोर्ट को उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत जगह पर हाईकोर्ट, बहुत जगह सुप्रीम कोर्ट और कहीं कहीं CBI, विजिलेंस, ये सब चीज़ें चल रही हैं। जो जो प्रणित तक पहुँचता जाएगा उनको, उन लोगों का काम है, वो अपने आप संज्ञान लेंगे, सजा देंगे। नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक। अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। नया पिल्सबरी कुकी केक, आपके मुंह का एंटरटेनमेंट।